हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। वी आर प्रेजेंट है विद अनदर न्यू सेशन, दैट इज मैथ्स पेडागॉजी सीटेट स्पेशल पार्ट 7। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मैथ्स पेडागॉजी का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो रहेगा, यानी कि सीटेट स्पेशल मैथ्स पेडागॉजी का पार्ट 7, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा यानी कि इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए स्पेस ज़रूरी है। यानी कि एक बेहतर मैथमेटिशियन होने के लिए क्या ज़रूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, या फिर अधिकतर सूत्रों को याद कराना, या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि एक बेहतर, एक अच्छा या एक गुड गणितज्ञ बनने के लिए, अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है सभी अवधारणाओं को समझना। ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट्स को सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए, उनको लागू कराए और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2। NCERT की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर। ठीक है, यानी कि NCERT द्वारा जो निर्धारित कक्षा 4th की एक गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसमें इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर। ठीक है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो यह किस तरह का परिवर्तन को डिनोट करता है? तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन यहाँ देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या फिर पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग से समझाने के लिए, या फिर डी ऑप्शन, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उनको गणित संबंधी सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए, या गणित को रोचक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इन दिनों यानी कि एक स्टेटमेंट है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? तो किस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि इस जो स्टेटमेंट है उसका निरूपण करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि ग्राफ देखिए, जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से है, ऊपर कीमत, नीचे समय। ठीक है, तो समय की बात हो रही है, बी की बात करें, यहाँ पर कीमत बढ़ रही है और समय। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे समय, यहाँ पे हम बात करें तो समय और कीमत दे रखी है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। यदि हम सी की बात करें तो कीमत इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, यानी कि इन दिनों यानी कि टाइम में जो कीमत बढ़ रही है, तो ग्राफ इस तरह से रहेगा। जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो पहले कीमत थी मतलब कम थी, तो बढ़ रही है इस तरह से। इस तरह का जो ग्राफ होगा वो इस चीज़ को डिनोट करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है। ठीक है, यदि हम जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, यानी कि भिन्न जिसे हम कहते हैं, उसको पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, मतलब इस तरह के भिन्न जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 यानी कि 3/5, 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है। ठीक है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, अतः 3/7 ठीक 3/5 से बड़ा है, यह बताता है। रोहित इस तरह से इन दोनों भिन्नों को कहता है कि 3/7 है, ठीक है, ये वाला 3/7 है वो 3/5 से बड़ा है। ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंश हैं वो समान हैं। तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है? रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, या फिर रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, या फिर रोहित तुलना भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, यानी कि जब भी हम भिन्नों की तुलनात्मकता यानी कि उसकी तुलना की बात करते हैं, तो वो इस जो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, इसलिए वो इस तरह से क्लियर नहीं कर पा रहा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5,
भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक स्पेस से शुरुआत कर सकता है। यदि कोई भी एक टीचर भिन्न की अवधारणा पढ़ाने जा रहा है तो किस चीज़ से शुरुआत कर सकता है? उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, या फिर विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान कराना, या फिर रेखा संख्या रेखा पर भिन्न का पता करना, या ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी जीरो के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, यानी कि एक टीचर को क्या चाहिए, एक शिक्षक शुरू कर सकता है कि उसके आसपास, यानी कि एनसीएफ 2005 भी कहता है कि टीचर को पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को उसके रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, जो आसपास की वस्तु हैं उसका संबंध प्रतिस्थापित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि उनके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं भिन्नों और भागों की पहचान उनसे कराएं, ठीक है, उनका संबंध प्रतिस्थापित करने के बाद आगे वो चले भिन्नों की अवधारणा को क्लियर करें। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विकास 56 स्टूडेंट्स की कक्षा को गणित पढ़ाता है। विकास नाम का कोई एक टीचर है जिसमें स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो है 56। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वे प्रभावी होती है। वो ऐसा मानता है कि परीक्षा के तुरंत बाद यानी फीडबैक दे दिया जाए बच्चों को तो वह अधिक प्रभावशाली रहेगा। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा, ठीक है, परीक्षा का आयोजन करता है। अब वो एक 10 बच्चों की छोटी परीक्षा का आयोजन करता है, प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा फीडबैक देने के लिए? वह यानी कि वह यात्राजिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें, या फिर वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए कहें। वो स्टूडेंट से ये कह दें कि आप एक दूसरे के जो आंसर्स हैं उनकी जांच कर लीजिए, या फिर वो एक कॉपी का चयन करके सबकी जाँच करें, ठीक है, या फिर इसका और दूसरा ऑप्शन, और ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स ए और बी के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दो ही ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के, आई थिंक वो कट गए हैं। क्वेश्चन था हमारा सिक्स, यानी कि 59 क्वेश्चंस जो हम सिक्स कह रहे थे उसका ऑप्शन देखते हैं, दो ऑप्शन ए रहे। तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, यानी कि दो ही ऑप्शन है और दो ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा है तो देख लेते हैं। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए कहे, नहीं, जो बेस्ट तरीका क्या रहेगा फ्रेंड्स हम खुद से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कौन सी चीज़ बिल्कुल सही रहेगी, सही जो रहेगी फ्रेंड्स वो रहेगी कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर यानी कि बोर्ड पर खुद से सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है, उसकी प्रत्येक क्वेश्चन की अवधारणा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और बच्चों को तब कहे कि आप अपनी अपनी जो नोटबुक है उससे प्रत्येक क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर की जो बात रहेगी ये रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, उल्टा उल्टा हो गया आई थिंक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात हो रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भिन्नों का योग पढ़ाते समय, ठीक है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात होती है, ठीक है। जब भी कोई टीचर भिन्नों का योग पढ़ा रहा है, जोड़ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो एक त्रुटि ज्ञात होती है, 1/2 + 1/3 यानी कि 2/5। इस स्थिति में
शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, इस स्थिति में यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लैसे की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए, या फिर बच्चे से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे, या फिर इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी, या फिर प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एरर जो हो रही है यानी कि 1/2 और 1/3 जब भी भिन्नों का योग होगा, तो फ्रेंड्स जब भी हर अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी भी भिन्नात्मक संख्या को जब हम जोड़ते हैं 2 से अधिक को, उसके यदि हर अलग अलग हों तो उसमें यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लैसे लिया जाता, उसके बाद जो प्रोसेस है भिन्न का योग का वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीचर को चाहिए कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चे की हेल्प करें, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं वो लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो, ठीक है, बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करते हैं, ठीक है, बच्चों को सबसे पहले बच्चों के सामने यह चर्चा करो कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं उनके वातावरण उनके पर्यावरण में कुछ तो वस्तुएं होती हैं जो लुढ़कती हैं, ठीक है, और कुछ फिसलती हैं, इस चीज़ पर चर्चा करो, ठीक है। चर्चा करने के बाद ये जो चर्चा रहेगी किस चीज़ में हेल्प करेगी, यानी कि स्रोत गणित के जादू 2nCERT, ठीक है, NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं, क्या समझने में सहायता करते हैं, यानी कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देते हैं, या फिर चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, या फिर आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, या फिर डी ऑप्शन कहता है निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पना को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि स्टूडेंट्स के पर्यावरण या वातावरण में जो चीज़ें होंगी रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उन चीज़ों को आधार बनाते हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को टीचर क्लियर करना चाहता है तो उनकी संकल्पना बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे और इस तरह से वो सहायता करेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, गणित में जो गणना करने संबंधी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, कैलकुलेशन संबंधी जो स्किल्स हैं किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाए, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है, या इस तरह के आयोजन कराए जाएँ, या फिर संकल्पना और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यानी संकल्पना और प्रक्रिया उनको स्पष्ट करें पहले टीचर, फिर उनका अभ्यास करने को कहें, या फिर केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर सिर्फ अवधारणा को बता देकर, या फिर केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। फ्रेंड एल्गोरिथम मतलब जो गणित से संबंधित सूत्र हैं कैलकुलेशन से संबंधित सूत्र हैं उनका प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि डी सी और बी की बात करें तो बिल्कुल गलत रहेंगे, ए जो है बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कक्षा में अभ्यास है तो क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके इस तरह की एक्टिविटी को टीचर कराए कि बच्चे एक्टिव होकर अभ्यास करें और चीज़ों को समझें, तो फ्रेंड्स उनका जो यानी कि कैलकुलेशन संबंधी जो स्किल है वो डेवलप हो पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, यानी कि क्लास 3 है उसमें, ठीक है, एक टीचर जाता है तो वो किस तरह के जो टीचिंग एड्स हैं उनको लेकर जाएगा, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी कि फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे लेकर जाएगा, ठीक है,
या फिर हम बात करें नापने वाले टेप, जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरे तरफ मीटर हो, उसे लेकर जाएगा, या फिर विभिन्न इकाइयों का से संबंधित चार्ट लेकर जाएगा, या फिर सेंटीमीटर वाला रूलर नापने का टेप आदि लेकर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि कक्षा तीन की बात हो रही है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर छोटी कक्षा की बात हो रही है, और लंबाई के विभिन्न इकाइयाँ यदि कोई टीचर समझाना चाह रहा है, समझाने की कोशिश करता है, तो सबसे बेहतर जो टीचिंग एड्स रहेंगे उसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विभिन्न लंबाइयाँ और इकाइयों वाले रूलर, यानी कि एक जो फुट्टा होता है उसे लेकर जाएगा, ठीक है, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार निर्धारित की गई है वास्तुकार द्वारा, ठीक है, उस तरह के लेकर जाएगा। लंबाई की जो अवधारणा है उसको इन चीज़ों से समझाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कि मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 7, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, ठीक है, यदि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाते हैं और आपकी समझ को विकसित करते हैं। तो इस सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपने कोई भी सवाल हो उसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल अधिगम मंच को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वॉज एस्पेसिंग साइनिंग ऑफ।